फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा। टॉपिक का नाम है फ्रायबिलिटी टेस्ट। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम टैबलेट की स्टडी करते हैं तो उसमें फ्रायबिलिटी करना बहुत कंपलसरी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, फ्रायबिलिटी, तो जो आज का हमारा टॉपिक है फ्रायबिलिटी, उसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे। जैसे सबसे पहला हम पढ़ेंगे व्हाट इज फ्रायबिलिटी। दूसरा पॉइंट हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर why we perform friability test। पहला हम पढ़ेंगे फ्रायबिलिटी क्या है, फ्रायबिलिटी टेस्ट क्या है। दूसरे इसके बाद हम पढ़ेंगे वाई वी परफॉर्म फ्रायबिलिटी टेस्ट, हम फ्रायबिलिटी टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे how we perform friability test, हम friability test कैसे perform करते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 4, acceptance criteria क्या है friability का। तो ये 4 पॉइंट आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो वन बाय वन ये पॉइंट हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा, व्हाट इज फ्रायबिलिटी, फ्रायबिलिटी क्या है। तो फ्रायबिलिटी इज ए फिनोमिना वेयर द सरफेस ऑफ द टैबलेट इज डैमेज और शोन ए साइट ऑफ डैमेज ड्यू टू मैकेनिकल शॉक। तो फ्रायबिलिटी क्या है, एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, टैबलेट का जो सरफेस है वो डैमेज होता है ड्यू टू मैकेनिकल शॉक। मैकेनिकल शॉक देने से टैबलेट का जो सरफेस है वो डैमेज होता है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फ्रायबिलिटी। इसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट था, दैट इज पर्पस ऑफ फ्रायबिलिटी, मतलब व्हाई वी परफॉर्म द फ्रायबिलिटी टेस्ट, हम फ्रायबिलिटी टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं। तो पर्पस क्या होगा फ्रायबिलिटी का, टू इवेलुएट द एबिलिटी ऑफ टैबलेट टू विदस्टैंड द ब्रेकेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग। तो मेन पर्पज़ क्या है फ्रायबिलिटी का, कि हम लोग इवेलुएट करते हैं टैबलेट की एबिलिटी को, कि वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे या हैंडलिंग के टाइम पे विदस्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या ब्रेक तो नहीं हो जा रहा है। तो ये हम लोग चेक करने के लिए फ्रायबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट था, हाउ वी परफॉर्म द फ्रायबिलिटी टेस्ट, फ्रायबिलिटी टेस्ट हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रायबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक एपरेटस होता है जिसे हम बोलते हैं रोची फ्रायबिलेटर इसे हम बोलते हैं। तो रोची फ्रायबिलेटर क्या है, रोची फ्रायबिलेटर कंसिस्ट ऑफ एन ओ ए ड्रम विच हैव एन इंटरनल डायमीटर बिटवीन 283 टू 291 mm एंड द डेप्थ बिटवीन 36 एंड 40 mm। तो रोच फ्रायबिलेटर इसके लिए हम यूज़ करते हैं। रोच फ्रायबिलेटर में क्या रहेगा, एक ड्रम रहेगा और ड्रम का जो इंटरनल डायमीटर रहेगा 283 से लेकर 291 mm तक रहेगा। मतलब इसके अंदर क्या रहता है, एक ड्रम रहेगा जो कि एक्रिलिक पॉलीमर का बना रहेगा और इस ड्रम का जो डायमीटर रहेगा, दैट इज़ ये जो डायमीटर रहेगा ये रहता है 287 प्लस माइनस 4 mm, मतलब 283 mm से लेके 291 mm तक रहता है इसका इंटरनल डायमीटर। इसके अलावा इसकी डेप्थ की अगर बात करें, इस जो ये आपका ड्रम है इसकी डेप्थ की बात करें, ये जो डेप्थ है ये रहती है 36 टू 40 mm,
ये इसकी डेप्थ रहती है 36 टू 40 एमएम। इसके बाद इसकी ये जो ड्रम है, ये ड्रम बना होता है एक्राइलिक पॉलीमर का, ट्रांसपेरेंट पॉलीमर का बना होता है। द टेबलेट आर टम्बल्ड इन ईच टर्न ऑफ ड्रम बाई ए कर्व प्रोजेक्शन। इसके अंदर एक प्रोजेक्शन कर्व लगा होता है, इस तरह का प्रोजेक्शन कर्व लगा होता है। इस प्रोजेक्शन कर्व का जो इसका रेडियस रहता है, इसको प्रोजेक्शन कर्व का, दैट इज 75.5 टू 85.5 mm, इतना इसका रेडियस रहता है इसका, इस प्रोजेक्शन कर्व का। तो जब ये रोटेट होता है ड्रम, ये रोटेट होगा तो ये जब ड्रम रोटेट होगा तो ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट यहाँ से नीचे गिरेगी। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है दैट इज 6 इंच, ये डिस्टेंस है 6 इंच, मतलब 6 इंच की डिस्टेंस से टैबलेट नीचे गिरता है, वॉल से टकराता है 6 इंच की डिस्टेंस से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टम्बलिंग, इसे टम्बलिंग हम बोलते हैं। तो हर एक टर्न पे टैबलेट आपका ये गिरता है नीचे, 6 इंच की हाइट से गिरता है, जिससे क्या होता है उस टैबलेट पे मैकेनिकल शॉक लगता है, और उस मैकेनिकल शॉक की वजह से टैबलेट में कितना वेट लॉस हो रहा है, परसेंटेज वेट लॉस, वो हम फाइंड आउट करते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट की हेल्प से। और जो ये रोटेट होता है ड्रम का, जो रोटेशन स्पीड है इसकी, जो स्पीड है दैट इज 25 ± 1 RPM, ये स्पीड से ये ड्रम रोटेट होता है। अब इसमें बात करते हैं हम लोग, टेबलेट कितना लेना होता है, हम लोगों को सैंपल कितना लेना होता है। तो इसका एक क्राइटेरिया है, द क्राइटेरिया इज 4 टेबलेट विद ए यूनिट वेट इक्वल टू और लेस देन 650 mg, टेक ए सैंपल ऑफ होल टेबलेट कोरस्पॉन्डिंग एज नियर एज पॉसिबल 6.5 ग्राम, और 4 टेबलेट विद ए यूनिट वेट ऑफ मोर देन 650 mg, टेक द सैंपल ऑफ 10 होल टेबलेट्स। तो अब बात करते हैं इसमें सैंपल हम कितना लेंगे। इसमें सैंपल है कि अगर टेबलेट का एवरेज वेट ऑफ टेबलेट या यूनिट वेट ऑफ टेबलेट इज इक्वल टू और लेस देन 650 mg। कहने का मतलब है कि अगर टेबलेट का एवरेज वेट 650 mg है या 650 mg से कम है, तो वी टेक द होल वेट ऑफ टेबलेट नियर अबाउट 6.5 ग्राम, हम वेट लेंगे 6.5 ग्राम में जितनी भी टेबलेट आए उतनी टेबलेट का हम वेट ले लेंगे। तो ये जो वेट होगा ये होगा मेरा इनिशियल वेट। अब बात आती है कि अगर मैंने टेबलेट 650 mg से बड़ी बना दी, कि एवरेज वेट टेबलेट का 750 mg है, तो उस केस में अगर टेबलेट का एवरेज वेट, इफ एवरेज वेट ऑफ टेबलेट इज ग्रेटर देन 650 mg, अगर टेबलेट का एवरेज वेट 650 mg से ज़्यादा है, तो टोटल 10 टेबलेट काउंट करके लेनी है, उनका वेट ले लेना है। तो ये होगा इनिशियल वेट ऑफ द टेबलेट। तो यहाँ से हम टेबलेट का इनिशियल वेट सेलेक्ट करते हैं। फिर जब हमने इनिशियल वेट ले लिया, अब क्या करेंगे, इस जो ये टेबलेट का वेट लिया, इस टेबलेट को हम उस ड्रम के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ड्रम के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद ड्रम को हम रोटेट कराते हैं। ड्रम के अंदर ट्रांसफ़र किया, ड्रम के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद ड्रम को रोटेट किया, रोटेट करने से क्या होगा, टैबलेट नीचे गिरेगी, 6 इंच की हाइट से नीचे गिरेगी टैबलेट, तो इसमें से वेट लॉस होगा। तो जो ये जैसे ये 25 RPM की स्पीड से ये 100 रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, 100 काउंट या 100 रोटेशन, जब ये 100 रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तो ये टेस्ट
ये जो एपरेटस है ये स्टॉप हो जाएगा अपने आप। देन उसके बाद क्या करेंगे, जो वेट आया, जो टेबलेट आया, उन्हें हम सैंपल को हम कलेक्ट करेंगे। सैंपल कलेक्ट करने के बाद कलेक्शन ट्रेस है, हम उन टेबलेट का फर्दर वेट करेंगे, तो वो होगा मेरा फाइनल वेट, वो होगा मेरा फाइनल वेट, फाइनल वेट, फाइनल वेट होगा मेरा आफ्टर टम्बलिंग। टम्बलिंग के बाद जो वेट होगा मेरा उसे हम बोलेंगे फाइनल वेट। और फाइनल वेट लेने से पहले हमें टेबलेट को डी डस्ट करना पड़ता है, ताकि जो भी लूज पार्टिकल है वो सारे पार्टिकल उस टेबलेट से रिमूव हो जाए। देन अब यहाँ से मैं निकालूंगा परसेंटेज वेट लॉस या परसेंटेज फ्रायबिलिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट डिवाइड बाई इनिशियल वेट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग परसेंटेज फ्रायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी लिमिट होती है, लिमिट इज नॉट मोर देन 1.0%। इससे ज़्यादा फ्रायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा फ्रायबिलिटी हुई देन हम दो बार और परफॉर्म करेंगे टेस्ट को। तो टोटल 3 बार जब हम टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे तो तीनों का हम एवरेज, हम मीन कैलकुलेट करेंगे, और वो जो मीन है वो भी नॉट मोर देन 1.0% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रायबिलिटी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रायबिलिटी टेस्ट एंड फ्रायबिलिटी टेस्ट अपरेटस। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि फ्रायबिलिटी क्या है, फ्रायबिलिटी क्यों करना है, कैसे फ्रायबिलिटी करते हैं, और उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।